दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों अभी जो सामने मोबाइल देख रहे हैं J7 प्राइम है और इसका एंड्रॉइड वर्जन 7.0 है और कई दिनों से यूट्यूब पे कमेंट आ रहा था भाई 7.0 का FRP अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं और 6.0 का अनलॉक हो रहा है। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहे, मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों सबसे पहले आपको जो इसका ADB इनेबल करने के लिए आपको वाईफाई कनेक्ट करना होगा मोबाइल में। वाईफाई जब इस मोबाइल में आप कनेक्ट कर देंगे उसके बाद ADB इनेबल करने के लिए आपको जो है टूल बैग ऑप्शन में जाना है, ठीक है। तो टूल बैग में जाने के लिए आपको इस बटन पर 3 बार क्लिक करना है, 3 बार कंटिन्यू आपको दबाना है, उसके बाद छोड़ देना है, टूल बैग का ऑप्शन ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे L बनाना है, ठीक है। जैसे आप L बनाएंगे उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको जो है टूल बैग सेटिंग में आपको जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है टूल बैग सेटिंग पर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, इस तरह का ऑप्शन आने के बाद उसके बाद यहाँ आगे पीछे अगर आप करेंगे नहीं होगा तो आपको टूल बैग ऑप्शन को आपको बंद करना होगा 3 बार क्लिक करके। उसके बाद ये आगे पीछे हो रहा है दोस्तों, आप यहाँ पे नीचे में देख रहे हैं यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक, यहाँ पे आपको क्लिक करना है 1 बार। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा, उसके बाद यहाँ सबसे ऊपर में आपको 1 बार क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे YouTube के ऑप्शन पे आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है डबल क्लिक करना है, और जैसे आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एरो का निशान बनेगा और यहाँ पे शेयर करने का जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक तीर का निशान बना हुआ है और इस तीर के निशान पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ तीर के निशान पे क्लिक करेंगे आप, चलिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पे ऊपर करके दिखा दूँ। आप यहाँ तीर के निशान पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है YouTube का लिंक मिल रहा है हमें बीच में, यहाँ पे 1 बार क्लिक कर देंगे। बीच में क्लिक करने के बाद चलिए मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा जूम करके, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो YouTube का लिंक है यहाँ पे बीच में, और बीच में इस लिंक पर हमें यहाँ पे 1 बार क्लिक कर देना है। और जैसे हमने उस लिंक पर क्लिक किया उसके बाद आप दोस्तों देख सकते हैं हम यहाँ पे YouTube पर आ चुके हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिकली वीडियो, ठीक है। तो वीडियो को हम जो है पॉज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस वीडियो जो यहाँ पे वीडियो जो प्ले ले रहा है तो वीडियो को हमें यहाँ पे पॉज करना होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पे पॉज, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप ऊपर में देख रहे हैं 3 डॉट है, उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको नहीं करना है, यहाँ आपको बैक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप उस ऑप्शन पे नहीं जा पाएंगे, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है हल्का सा 2 बार, उसके बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ पे 3 डॉट पे ऊपर में देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है इस वाले पे जो है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। टर्म्स एंड पॉलिसी यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको जो रिमाइंड लेटर, रिमाइंड मी लेटर में आपको क्लिक कर देना है 1 बार, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको 1 बार। तो जैसे आप कम्युनिटी गाइडलाइंस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, 1 बार सिर्फ यहाँ आपको ऊपर में जो यहाँ पे लिंक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे टाइप करना है एंड, तो पहले यहाँ आपको एंड्रॉइड टाइप करना है, एंड्रॉइड आपको लिखना है। और एंड्रॉइड लिखने के बाद उसके बाद जो है आपको यहाँ पे HO लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पहले एंड्रॉइड लिखते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि कैसे जो यहाँ पे हम ऑप्शन पे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉइड लिखने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है HO, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे HO लिखेंगे, ठीक है, तो नीचे में आपको यहाँ पे एंड्रॉइड होस्ट ORG का लिंक आपको मिल जाएगा। नीचे में आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको जूम के दिखा दूँ, यहाँ पे देख रहे हैं एंड्रॉइड होस्ट ORG, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर में जो है यहाँ पे 1 बार क्लिक करना है। ऊपर में क्लिक करने के बाद ये जो लिंक दिखाई दे रहा है आपको, इस लिंक पे जो ये लिंक रहेगा इसको डिलीट नहीं करना है इस लिंक को, और इसको यहाँ पे जो सरकार के थोड़ा आपको साइड में लेके आना लास्ट में। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है W टाइप करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे W टाइप करेंगे तो उसके बाद तीसरे नंबर पे आप यहाँ पे लिंक देख रहे हैं दोस्तों, इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप इस लिंक पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है ऑटोमेटिक आप एक इस पेज पे पहुंच जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डाउनलोडिंग पेज जो खुल चुका है, ठीक है। इस डाउनलोडिंग पेज पे आप पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, ठीक है। सबसे नीचे में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे डाउनलोड पे आपको 1 बार क्लिक कर देना है। और जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है आप इस पेज को थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, तो दोस्तों आप यहाँ जैसे नीचे किए तो मैंने यहाँ पे बुक मार्क का जो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, और अगर ऊपर कर देंगे तो ये बुक मार्क का ऑप्शन गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हमें नीचे करना है और यहाँ बुक मार्क का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर हमें 1 बार क्लिक कर देना है। इस पर 1 बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कैंसिल कर देना है, और कैंसिल करने के बाद आप ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं कि हिस्टोरी, ठीक है, हिस्टोरी पे यहाँ पे आपको 1 बार क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ हिस्टोरी पे क्लिक करेंगे, चलिए मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा दूँ, आप यहाँ देखते हैं हिस्टोरी, हिस्टोरी पे आपको 1 बार क्लिक कर देना है। तो जैसे आप हिस्टोरी पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा डाउनलोड हिस्टोरी, ठीक है। यहाँ डाउनलोड हिस्टोरी पे आपको 1 बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो फाइल अभी डाउनलोड हुआ, ये फाइल यहाँ पे शो कर रहा है, इस फाइल को हमें जो यहाँ पे डबल क्लिक करना है, उसके बाद ये फाइल को हमें यहाँ पे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्टॉल का ऑप्शन है। चलिए इस फाइल को हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे ओपन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे में आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ऐप लिखा हुआ है, ऐप्स पे यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पे आप ऐप्स पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे जो गूगल क्रोम है ऊपर में और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे आप तो आपको गूगल में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल का एक आइकॉन मिलेगा आपको। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं हम आपको यहाँ पे नीचे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं गूगल का ऑप्शन है, यहाँ पे गूगल पे हमने क्लिक किया। उसके बाद करना क्या है कि यहाँ पे नीचे में हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन पे यहाँ पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद ऊपर में आप यहाँ पे देख रहे हैं गूगल का यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, गूगल दिखा रहा है यहाँ पे और इस चिन्ह पे हमें क्लिक करना है। इस चिन्ह पे क्लिक करने के बाद उसके बाद ये स्विच को हमें जो है ऑन कर देना है। ठीक है, इस स्विच को हमें यहाँ पे इनेबल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरह से दिखेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे नो थैंक्स कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है एक बार। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है CAL यानी कैलकुलेटर आपको टाइप करना है। तो जैसे आप CAL टाइप करेंगे तो उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे कैलकुलेटर शो करेगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेटर शो कर रहा है, तो इस कैलकुलेटर पे आपको यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम कैलकुलेटर पे आ चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है ADB इनेबल करने के लिए यहाँ पे कुछ टाइप करना होगा। तो पहले हमें जो यहाँ पे ये चिन्ह लगाना है। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे प्लस हमें यहाँ पे डालना है इसमें। ठीक है, प्लस डालने के बाद हमें यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे नंबर डालना होगा। दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देख लें क्योंकि ये नंबर डालने में अगर मिस्टेक होगा तो आप जो है मतलब ADB इनेबल नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें और पूरी तरह से वीडियो को आप देखें तभी आप जो है इस मोबाइल का जो है FRP अनलॉक कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इतने नंबर आपको डायल करना है। सॉरी, यहाँ पे आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे जो 330 मैंने सबसे ऊपर में लिखा है तो यहाँ पे हमको 330 नहीं लिखना था, यहाँ पे हमको 300 लिखना था यानी 300 लिखना था हमें। ठीक है, तो चलिए जैसे हम यहाँ 300 यहाँ पे डायल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं हम 300 डायल कर दिया, ऑटोमेटिकली जो इस ऑप्शन पे जा चुका है। चलिए हम आपको फिर से बैक करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, क्या टाइप आपको करना है, तो आपको टाइप ये करना है कि आपको यहाँ पे, चलिए हम आपको शुरू से दिखा रहे हैं आपको कट करके। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पहले निशान लगाना होगा, तो चलिए इस निशान को लगाना है आपको। निशान लगाने के बाद आपको प्लस दबाना है, उसके बाद आपको 300 आपको यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद 120 टाइप करना है आपको, उसके बाद 127 टाइप करना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको 32 टाइप करना है। ठीक है, तो 32 टाइप करने के बाद उसके बाद आपको फिर प्लस देना है। ठीक है, जैसे आप प्लस देंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ADB इनेबल करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आपको डायल करना है *#0808#, ये डायल करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे ADB का ऑप्शन आ चुका है। सबसे नीचे में आपको यहाँ पे चेक लगाना है और मोबाइल को आपको यहाँ पे जो है रिबूट कर देना है। ठीक है, और जैसे आप मोबाइल को रिबूट करेंगे ये मोबाइल आपका ऑटोमेटिकली जो है रिबूट होकर के रिस्टार्ट हो जाएगा, रिस्टार्ट होकर के मोबाइल आपका ऑन होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस मोबाइल को अनलॉक करने के लिए हम चलते हैं अपने Z3X बॉक्स पे। तो चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि Z3X बॉक्स में जो है हमें कैसे इसका ADB कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे मॉडल नंबर सिलेक्ट करना है। मॉडल नंबर हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है J7 प्राइम का G610F। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे अनलॉक पर जाना है। अनलॉक पर जाने के बाद जो है हमें यहाँ पे इसका जो है ADB पोर्ट हमें यहाँ पे पहले सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम यहाँ पे इसका ADB पोर्ट सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको बार बार क्लिक करना है, जब तक ADB पोर्ट यहाँ पे ना आए तब तक आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, बारी बारी आपको ट्राई करना है और थोड़ा सा वेट कर लेना है आपको, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है ADB पोर्ट आने में। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, आप यहाँ देखते हैं ADB पोर्ट यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हमें करना है क्या, यहाँ पे रिसेट FRP हमें यहाँ पे दे देना है। ठीक है, जैसे रिसेट FRP देंगे उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे हमें ओके कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें यस कर देना है, तो यस कर देंगे। उसके बाद ये जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मोबाइल हमारा बूट कर चुका है, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि ये मोबाइल कम्प्लीटली बूट नहीं करेगा अभी, क्योंकि मोबाइल के स्क्रीन पर जो है वहाँ पे अलाउ USB डिबगिंग का इनेबल का ऑप्शन आएगा, अलाउ USB डिबगिंग का वहाँ पे ऑप्शन होगा, उसे हमें ओके करना होगा। चलिए मैं आपको दिखा देते हैं मोबाइल पर। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा आपके मोबाइल पर, यहाँ पे आपको चेक लगाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ठीक है, और जैसे आप यहाँ पर ओके करेंगे, ओके करने के बाद जो है आपके मोबाइल का FRP यहाँ पे Z3X बॉक्स में कंप्लीट बूट करेगा और FRP रीसेट होगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि FRP यहाँ पे रीसेट हो रहा है। तो दोस्तों मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस मोबाइल को आप ध्यान से देख लें, क्योंकि इस मोबाइल का शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि इस मोबाइल का IMEI नंबर कितना है, और अभी अनलॉक होने के बाद भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा उस मोबाइल को कि जो IMEI नंबर मैंने आपको दिखाया था, उसी IMEI नंबर का मोबाइल जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि उसका FRP अनलॉक हुआ कि नहीं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि FRP अनलॉक हो चुका है। चलिए हम आपको मोबाइल में दिखा देते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे जो Z3X बॉक्स में FRP अनलॉक सक्सेस लिखा, लेकिन यहाँ पे मोबाइल रिबूट नहीं हुआ, रिबूट नहीं होता है। और आपको बता दूं कि आप कुछ इस तरह से जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको स्किप का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं स्किप का ऑप्शन आ चुका है, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे स्किप कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमें मोबाइल को इस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्री कर देना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद मोबाइल को हमें सेटअप करना है पूरी तरह से। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे मोबाइल को हमने सेटअप कर दिया है। मोबाइल जो है कम्प्लीटली ऑन हो चुका है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों आप इस मोबाइल का आई एम नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, और इस मोबाइल को हमने जो है इसका FRP अनलॉक कर दिया है विदाउट कम्बिनेशन फाइल का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके किसी काम आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेते। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।